क्या तुझको दिलाए तेरा पैमाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ और उसके लिए तुम्हें मेरी जितनी मदद चाहिए होगी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू सो मच जीजान। जीजान नहीं, मॉम। हसन ने हमेशा मुझे मॉम कहा है। दिन ब दिन ना तुम बहुत बोरिंग होती जा रही। अलमिया, एक इकलौती मेरी दोस्त, वो भी अजीब बुड्ढों वाली हरकतें कर रही है। प्लीज इसको नॉर्मल कर दे, इसका दिमाग खराब हो रहा है। प्लीज प्लीज। मायरा, नूर इस वक्त मुझसे बहुत नाराज है और मैं जानता हूं कि वो इस वक्त मेरी कोई बात नहीं समझेगी, पर मैं ये भी जानता हूं कि वो आपकी बात जरूर समझेगी। मायरा, समझाओ उसे। जब कोई शख्स अपनी गलती की माफी मांगने के लिए आगे बढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। ये भी हो सकता है कि वो अपनी अना से ज्यादा अपने रिश्तों को अहमियत देता। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, डोंट वरी, मैं उसे समझाऊं। चले, मैं लेट हो रहा हूं, मैं चलता। याद क्या तुझे को दिलाए, याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। याद क्या तुझको दिलाए, याद क्या तुझको दिलाए। आज आने दो हसन को, मैं ये मामला एक तरफ करके रहूंगा। पापा प्लीज, आप हसन से कुछ नहीं कहेंगे। क्यों ना कहूं, तुम्हें इस हाल में छोड़ के चला गया है, जो दिल चाहे उसका मर्जी करता फिरे। माहिन बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, आपकी जल्दबाजी कहीं हमें कोई मजीद नुकसान न पहुंचा दे। थोड़ा सब्र से काम लें प्लीज। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, अगर हमने हसन को ढील दे दी तो वो हाथ से निकल जाएगा। कभी कभी ढील देना अच्छा होता है भाई, पतंग की डोर को अगर आप मजबूती से पकड़ेंगे तो हाथ तो अपने ही कटेगा ना। तो हाथ कटने के डर से हम मुंह पर उंगली रख के बैठे रहे। प्लीज पापा, आपसे और मुझसे ज्यादा मॉम अच्छे से हसन को जानती है। चलो ठीक है, नहीं बोलता मैं कुछ, लेकिन मैं एक चीज बता दूं माँ, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। भाई, हमारी खामोशी दिमाग का काम करे। ये आस्ता आस्ता हसन के दिल से नूर के प्यार को काट कर खोखला कर देगी, और जब उसका प्यार खोखला पड़ जाएगा तो बस एक फूंक से उस लड़की का प्यार जर्रा जर्रा हो जाएगा। सिर्फ बातें ही करोगी या अमल भी शुरू कर रही हो? आप सुकून से बैठिए, बस सही वक्त पर सही पत्ता फेंकना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। माहिन को अपना काम करने दीजिए और मैं अपना काम करूं। ब्रेड जैम नहीं, मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता करो। मामा कहाँ हैं?
वो अपने रूम में ऑफिस के लिए रेडी हो रही ये। रख दो मैं कर लूं। तुम भी ना। तुम नाश्ता नहीं कर रही? नहीं, तुम नाश्ता कर लो, मैं बाद में करूंगी। अगर कुछ और चाहिए तो बताओ, मैं ले आती हूँ। नहीं, इतना काफी। कहीं जा रही हो? सुबह सुबह इतना तैयार हुई? तुम पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही। अच्छी लग रही। तो तुम्हारे लिए तो रेडी हुई हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, मामा को बता देना। और कुछ? थैंक्स। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जैसी हमेशा होती हूँ। खैरियत है, तुम कल ऑफिस नहीं आए? हाँ, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी या कोई और वजह? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि सारा ऑफिस जानता है कि बॉस की एंगेजमेंट में क्या क्या हुआ। बस कर जाओ, जाओ जाकर अपना काम करो। काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना, तुम बॉस की मैडम जो बनने वाली। शट अप। अकड़ तो देखो। कैसे है ना? ठीक हूँ। फिलहाल कैसे? ये तो मुझसे पूछ रही है। मुझसे ज्यादा तो मेरे घर की अपडेट्स तुम्हारे पास होती हैं। एनीवे, ही इज फाइन। चलो शुक्र। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ। तुम मुझसे इतने गेम्स क्यों खेल रही हो? मैं समझी नहीं। यहाँ मेरे सामने तुम इस तरह प्रिटेंड करती हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हम तुम गलत समझ रही हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं सब समझती हूँ और तुम्हारे इरादों को भी खूब समझती हूँ। इरम प्लीज साफ साफ बात करो, तुम क्या कहना चाहती हो? रेहान के दिल में नफरत का बीज बोकर तुम्हें तसल्ली नहीं मिली कि मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करने पर तुली हुई हो? इरम, मैं ऐसा क्यों करूंगी? यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो मायरा? इरम, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। रेहान और तुम्हारे बीच जो भी इख्तलाफात थे वो मुझसे बहुत पहले से थे। इख्तलाफात थे अपनी जगह, लेकिन उसे मजीद खराब करने में तुम्हारा हाथ है। बस कर दो इरम, तुम्हारे घर के हालात खराब करने में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। और बिलाल, छोटा सा बच्चा है, उसको सिर्फ अपनी माँ का प्यार, अपनी माँ की तवज्जो चाहिए, तो तुम उसे दे नहीं पा रही हो। प्लीज, मैं अपने बच्चे के लिए क्या करती हूँ क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, हो सके तो बिलाल से दूर रहो। करीबी कब तुझे दूर हूँ? लेकिन यार, तुमने जो इल्जाम आज मुझ पे लगाए हैं ना, वादा करती हूँ कि वो सब सच करके। हेलो मिस नूर। हेलो। अब आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। आपने आते ही काम शुरू कर दिया। जिस काम के लिए ऑफिस आती हूँ वो तो स्टार्ट करूंगी। तो आप ऑफिस काम करने के लिए आते? जाहिर है, और किसके लिए आते? मेरे लिए। जी, क्या कहा आपने बॉस? ठीक है, आप बॉस बॉस लगा के रखा हुआ, तो और क्या बोलूं आपको? जो आप मुझे पहले कहा करती हसन। मैं पहले भी आपको हसन बॉस ही कहती। अच्छा, तो फिर मेरे कानों में तुम्हारी आवाज क्यों गूंज रही? चेक करवा लें, हो सकता है आपके कानों में कोई प्रॉब्लम हो। कान तो मेरे ठीक हैं, पर लग रहा है कि वक्त खराब चल रहा है। वक्त एक ऐसा आईना है जो बहुत सारे चेहरे वादे करता है। अच्छा, तो मेरे चेहरे को तुमने कैसा माना? कुछ चीजों में इंसान खामोशी इख्तियार कर ले तो वो ही बेहतर।
खामोशी इतनी भी अच्छी नहीं होती कि शहर ही वीरान लगने लगे। ये लीजिए। ये क्या? फाइल है, आप ही को देने के लिए आ रही थी। अब आप यहाँ मिली गए हैं तो ये फाइल आप ले जाएं। बॉस कौन है? आप। तो मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि ये फाइल लेकर मेरे रूम में आ जाए। ओह, तो वो ऑफिस आ चुकी। तुम ऐसा करो कि वहां सबको इन्फॉर्म कर दो कि मेरे आते ही कॉन्फ्रेंस रूम में जमा हो। ओके? तो आखिर उसने रिजाइन नहीं किया ना मॉम? अच्छा किया जो रिजाइन, मैं भी यही चाहती। लेकिन क्यों? अगर वो रिजाइन दे देती तो एटलीस्ट वो हसान से तो दूर रहती ना। वो ऑफिस से तो दूर हो जाती लेकिन हसान के दिल से दूर नहीं। तो फिर आपने क्या सोचा है? सोचा तो बहुत कुछ, अब तो सिर्फ करने का वक्त आ गया। मैं इस लड़की को जिल्लत के दलदल में ऐसा धकेलूंगी कि उसका वहां से निकलना मुश्किल हो जाए। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? तुम्हारा इस तरह का बिहेवियर मुझे अंदर ही अंदर से खोखला कर। आपको कोई काम की बात करनी है तो करें, वरना मुझे और भी फाइल चेक। काम तो तुम खत्म कर ही लो, पर मेरा क्या होगा? आपका क्या सर? आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल देनी है तो दे दें। इतनी अनजान क्यों बन रही हो? आपका इस किस्म का बिहेवियर, आप मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं इस बिहेवियर से। मैं किसी मजबूरी के तहत ये जॉब नहीं छोड़ रही हूँ, लेकिन प्लीज मुझे इतना मजबूर मत करें कि मुझे मेरी मजबूरी भी छोटी लगने लगे। नूर, नूर, उस वक्त जब तुम कहीं और खोए हुए थे। ऑफिस काम करने आते हो, काम पर ही ध्यान दो। अब बॉस ने बाकी की फाइल्स आपको कंप्लीट कर दी। मॉम आप भी ना, क्यों बेचारे के पीछे पड़ी रहती? मैं पीछे पड़ी रहती हूँ उसके? वो मेरे बच्चों की जिंदगी के पीछे पड़ी हुई है। मॉम प्लीज। देखो हसन, तुम मॉम हसन ठीक कह रहे हैं। आप क्यों उस पे तंज कर रही हैं? हम सब जानते हैं वो कितनी हार्ड वर्किंग लड़की है। उसकी हार्ड वर्किंग की वजह तो आज मुझे नजर आ ही गई। मामा उसका पांव मुड़ गया, वो गिरने लगी तो मैंने उसे बचा लिया और अचानक आप लोग। हसन प्लीज, अपनी माँ की आंखों में धूल झोंकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिल का हाल तुम चीख चीख के दुनिया को दिखा चुके हो। मॉम प्लीज, जो गुजर गया उसे दोहराने का क्या फायदा? एनीवेज, आप मेरे पास किसी काम से आई थी? हाँ, 5 मिनट के अंदर सबको कॉन्फ्रेंस रूम में जमा करो, मुझे जरूरी बात करनी है। क्यों, कोई काम?
वो तुमको 5 मिनट के बाद पता चल जाएगा। हटो समझ। औरत कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही है यार? हेलो। हेलो। मारा असल में इरम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही है, अगर वो घर पे है तो उसे प्लीज मेरा मैसेज कन्वे कर देंगी? मैं तो घर के लिए निकल आई, बल्कि मैं तो घर पे हूँ, वो ऑफिस से निकल गई होगी, हो सकता है बिजी हो या फिर उसका फोन साइलेंट हो, आई डोंट नो। ओह आई सी। क्यों क्या हुआ? हाँ वो एक्चुअली मैंने बिलाल को स्कूल से पिक करना था, लेकिन जब मैं निकला हूँ तो मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अब बिलाल को कैसे पिक करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। कितना टाइम है उसके छुट्टी होने में? यही कोई 30 मिनट्स। चले मैं ऐसा करती हूँ उसे जाके पिक कर लेती हूँ। नहीं आप कहाँ पिक करेंगी, रहने दीजिए, इट्स ओके, मैं देखता हूँ कुछ। अगर डिस्टर्ब होती तो मैं आपको ये ऑफर ही ना करती, डोंट वरी। आर यू श्योर? बिल्कुल, बस इसके बदले आप मुझे अच्छे से खाना खिला दीजिएगा। हाँ श्योर, व्हाई नॉट, अल्लाह। ओके सी यू। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों जमा किया, इसके पीछे खास वजह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में मेरे बेटे हसान और आप सबकी मेहनत का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इस कंपनी को मजीद सक्सेस देने के लिए हमें यंग टैलेंट की जरूरत है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि माहीन हमारे साथ काम करें MD की। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। वन मोर थिंग, माहीन हमारी कंपनी के अर्जेंट प्रोजेक्ट को फॉलो करेंगे और इनके अंडर में 4 मेंबर की टीम होगी और उस टीम को लीड करेंगी मिस नूर। अरे वाह, आ गया मेरा शेर। कैसे हो आप, कैसा रहा स्कूल? बहुत अच्छा, आपको पता है मैं टेस्ट में फर्स्ट आया। अरे वाह माशाल्लाह, इसी तरीके से मेहनत करके हमेशा फर्स्ट। मारा आंटी तो इतनी जल्दी आ जाती है, मम्मा तो इतनी देर लगाती है। हाँ ये भी है, तो फिर एक काम करते हैं, मारा आंटी की ड्यूटी लगा देते हैं आपको पिक करने। मारा आंटी आप मुझे लेने आ जाएगी? अरे नहीं नहीं, ये तो आज आपको मारा आंटी ने पिक कर लिया, थैंक यू बोलो इनको। थैंक यू मारा आंटी, वेलकम। चलो आप जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर आपसे खाने पे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आइए बैठ। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? इट्स अमेजिंग मॉम, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने मुझे ऐसी पोस्ट क्यों दी जबकि मुझे इसका एक्सपीरियंस भी नहीं है। समझा, हसान का ज्यादातर टाइम ऑफिस में गुजर और यहाँ उसके साथ कौन होता है? नूर। मतलब नूर के साथ हसान का ज्यादा टाइम गुजरता है। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि तुम हर वक्त हसान के सामने रहो, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करोगी तो ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ गुजार सकोगी। और दूसरा ये कि नूर को तुम इतना बिजी कर दो कि उसके पास हसान के लिए तो क्या, अपने लिए भी टाइम ना बचे। जब दोनों की लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो एक दूसरे के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होगा और फिर उन दोनों में इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। ये सब खत्म? नहीं,
फिर शुरू होगा तुम दोनों में प्यार और एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। बस तुम देख लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता मैं इस लड़की की जिंदगी में इतनी न्यू प्रॉब्लम्स खड़ी कर दूँ कि इसे अपने आप से भी खौफ आने। आपने मुझसे ब्लैंक एग्रीमेंट साइन करवाया था और ये क्लॉसेस अपनी तरफ से डाल के आपने मुझे धोखा दिया। मिस नूर, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि आपकी जॉब सिक्योर की है। बदल जाते हैं इंसान।